सब्सक्राइब करें टीम पार्टी स्टार चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, टीम पार्टी स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे कि सर कंपटीशन के स्पीकर के लिए एक डीजे बेस चाहिए, तो वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले, क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे इंस्टाग्राम पर, काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर एक बेस कंपटीशन का बेस का वीडियो बनाएं। तो आज हम आपको एक प्रॉपर वीडियो दिखाने वाले हैं, जो सबसे हैवी वोल्टेज 18 इंची 2000 वोल्ट का स्पीकर होने वाला है, उसको हम आपको कैबिनेट में फिट करके, उसके बाद हम आपको स्पीकर का प्राइस भी बताएंगे। अगर काफ़ी लोग, क्योंकि कैबिनेट नहीं मांगते हैं और स्पीकर मांगते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे स्पीकर का प्राइस क्या रहने वाला है और पूरी बेस का प्राइस क्या रहने वाला है। तो वीडियो को पूरी देखिए, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, डीजे मेकर ऑडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं गौरव जैन आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो और एक और नया सेटअप और प्रोडक्ट। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीजे मेकर कंपनी का 2000 वॉट का स्पीकर 18 इंची का जो स्पीकर है हमारा, आप पहले भी हमारी कई वीडियोस में देख चुके हैं, बट मैं आज उसकी बेस की टेस्टिंग कराऊँगा, आपको एक बेस की फिटिंग कराऊँगा और टेस्टिंग करा कर उसके प्राइस की बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमसे रिलेटेड सभी तरह की नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलेगी। लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें। शेयर करने से आपके जो फ्रेंड्स और जो आपका फ्रेंड सर्कल जो रिलेशन होगा, उन लोगों को भी इस बारे में नॉलेज मिलेगी। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, जो मैं स्पीकर की आपसे बात कर रहा था, डीजे मेकर के 2000 वॉट की 18 इंच की, ये स्पीकर मेरे सामने है। ये हमारा येलो वाला मॉडल है, जो कि डीजे मेकर का 2050 वॉट वाला मॉडल है। आप देख सकते हैं इसे, इसमें तीन स्पाइडर लगे हुए हैं। एक तो डबल सिलिकॉन का स्पाइडर लगा हुआ है ऊपर, और देख सकते हैं आप जैसे, और रिंग के नीचे एक स्पाइडर और लगा हुआ है, तो टोटल मिला के होते हैं तीन स्पाइडर। मैग्नेट जो है 280/25 है, और जो कॉइल है वो 5 इंची इन आउट की कॉइल है। आप कोन देख सकते हैं, इसकी कोन जो है वो जैपनीज कोन है, और जो इसकी बात करी जाए एज की, तो बहुत हैवी एज में ये कोन है आती है, जिससे कि आपको वाइब्रेशन के, मतलब वाइब्रेशन का एक तरह से बाप है ये। इसका मैंने फुल रिव्यू इसी चैनल पर कर रखा है ऑलरेडी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं, और इसका मैंने अलग अलग प्राइस भी बताया है। इसमें हमारे पास दो मॉडल आते हैं, एक ब्लैक मॉडल आता है, एक हमारे पास येलो मॉडल आता है। तो जो मैं अभी फिटिंग दिखा रहा हूँ आपको, येलो वाला मॉडल है वो किसी कस्टमर की है, जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ, जिससे आप लोगों को ये रहे कि एक ड्यूअल बेस जो कि JBL मॉडल में हमारे येलो वाले स्पीकर में 2000 वॉट, मतलब कि 4000 वॉट की बेस कितने की आएगी। तो उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। आप देख सकते हैं स्पीकर, मैं आपको स्पीकर की कॉइल भी दिखा देता हूँ, जो कि हमारी मेन होती है, वो है डीजे मेकर कंपनी की 8 ओम्स की 126 mm इन आउट की कॉइल 2000 वॉट की। ये कॉइल हम इसमें यूज़ करते हैं, जो कि इन आउट कॉइल है। आप देख सकते हैं एक वाइंडिंग अंदर है, एक वाइंडिंग बाहर है, और जो कि जो इसकी कॉपर यूज़ करी गई है वो हाई हीट रेजिस्टेंट प्रूफ है और ब्लैक वायर है। बहुत ही शानदार कॉइल है ये। तो दोस्तों, ये तो हुई स्पीकर की बात, अब चलते हैं हम इसकी फिटिंग की तरफ, और फिटिंग में मैं आपको दिखाऊंगा, हमने एक ड्यूअल बेस ली है जो कि JBL मॉडल आता है, डीजे मेकर ऑडियो का पेंटेड कैबिनेट है, 3.5 फीट की कैबिनेट है, और उसमें जो स्पीकर लगाए जा रहे हैं वो यही वाले येलो वाले स्पीकर हैं, 2000 वॉट के, मतलब कि 4000 वॉट की बेस होने वाली है। तो चलते हैं इसकी फिटिंग की तरफ, और उसके बाद इसकी करवाएंगे टेस्टिंग, और उसके बाद करेंगे इसकी प्राइस की बात। तो आप देखिए फिटिंग। We'll be right back.
दोस्तों आपने फिटिंग देखी, हमने एक बेस में 2000 वोट के दो स्पीकर लगाए हैं येलो कलर वाले। इस स्पीकर का जो प्राइस है हमारा 10,500 रुपये का प्राइस है। ये जो स्पीकर आपको मिलेगा 10,500 रुपये में मिलेगा, अगर आप खाली स्पीकर लेना चाहते हैं तो। इसकी मैंने आपको प्रॉपर वीडियो भी इसी चैनल पे है हमारी, जिसमें मैंने आपको दोनों स्पीकर की अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं रिव्यू में जाकर। और इसकी जो बेस है उसकी रेट से पहले मैं आपको कराऊंगा टेस्टिंग, बट टेस्टिंग के दौरान अपने ईयरफोन ज़रूर लगा लीजिए। हेडफोन लगाने से आप इसके बेस का पूरा मज़ा ले पाएंगे, क्योंकि ये जो कि मैंने बेस टेस्ट कराई है वो मैं करवाने वाला हूँ क्रॉसओवर पे बेस, मतलब कि जो हमारे एम्पलीफायर में क्रॉसओवर लो बेस और लो पास और बाईपास होता है, मैंने लो पास पे करके ये चेक कराया है, जिससे कि आपको इसमें आवाज़ नहीं आएगी, बेस की क्वालिटी इसमें आपको पता चलेगी। तो दो तीन तरीके से मैंने कोशिश करी है आपको टेस्टिंग कराने की, आप टेस्टिंग का मज़ा लीजिए, उसके बाद करेंगे इसके प्राइस की बात कि आपको ये ड्यूअल बेस कितने की पड़ने वाली है। तो दोस्तों टेस्टिंग आपने देखी, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको टेस्टिंग कैसी लगी। मैंने कोशिश करी थी कि 3-4 बार आपको टेस्टिंग कराऊं अलग अलग गानों पे, तो मैंने वो अलग अलग गानों पे टेस्टिंग कराई है। इससे आपको बेस का इसका पता लगेगा होगा कि कितनी इसमें बेस है। वैसे आप हमारी शॉप पे आके भी इसको चेक कर सकते हैं, हमारी शॉप पे विज़िट करें। हमारी शॉप का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, हमारी शॉप है दिल्ली में लाल किले के सामने, जो कि बहुत मशहूर जगह है लाल किला दिल्ली में, उसके सामने लाजपत राय मार्केट स्थित है, उसी में हमारी 572 शॉप नंबर है, जो कि डीजे मेकर ऑडियो के नाम से है। आपको सभी तरह के स्पीकर्स, कॉलम, कैबिनेट्स और एम्पलीफायर यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं, डीजे और डीजे इक्विपमेंट्स के सभी तरह के इक्विपमेंट्स मिलते हैं। तो बात आती है अब इस बेस की, ड्यूअल बेस की कितना प्राइस होने वाला है। इस ड्यूअल बेस का जो कि JBL मॉडल की 4000 वॉट की बेस हो गई है आपकी, ये आपको मिलने वाली है 29,000 रुपये में, 29,000 रुपीज़ में आपको ये मिलेगी, जो कि आप डीजे मेकर कंपनी से डायरेक्ट जो नीचे नंबर शो हो रहे हैं उससे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, फ़ोटो मंगा सकते हैं, स्पीकर की फ़ोटो मंगा सकते हैं। हमारा ये जो नंबर है सुबह 11 बजे से रात को 8 बजे तक ऑन रहता है, आप कभी भी किसी भी टाइम आप चेक कर सकते हैं। तो सर ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन व्यूवर्स ये मांगते हैं कि इस स्पीकर को चलाने के लिए कितने वॉट का एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। जी ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा भैया आपने। इस बेस को चलाने के लिए अगर कोई कस्टमर दो बेस लेता है, मतलब कि दो दो ड्यूअल बेस लेता है 4,000 वॉट की, तो उसको एक एच क्लास का एम्पलीफायर चाहिए जो कि 6,000-7,000 वॉट हो।
जैसे कि हमारा एक MT-1601 आता है NX Audio का, CA-20 आता है साउंड स्टैंडर्ड का, DJ Maker का CA-20 प्लस आता है, वो एम्पलीफायर इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि दो चैनल में आते हैं, एक चैनल पे आप एक ड्यूअल बेस बजा सकते हैं, एक चैनल पे आप एक ड्यूअल बेस बजा सकते हैं, या फिर जो लोग एक बेस ले रहे हैं और दो टॉप ले रहे हैं उन लोगों के लिए भी एच क्लास का एम्पलीफायर बहुत फ़ायदेमंद है। एक चैनल पे एक ड्यूअल बेस बजाइए और एक चैनल पे दो टॉप बजाइए, जो कि आपकी हैवी वोल्टेज के होते हैं, 600 वोट या 700 वोट 800 वोट में जो आपके स्पीकर्स होते हैं उसके टॉप इजीली उस पर चल जाएंगे। तो मतलब प्रॉपर आपका एक एम्पलीफायर पे ये स्पीकर बढ़िया तरीके से चलेंगे। जी, ये एक एम्पलीफायर पे आपके चार स्पीकर बहुत अच्छे से चल सकते हैं, मतलब कि दो ड्यूअल बेस आपकी बहुत अच्छे से चल सकती है। 29,000 रुपये की मैंने आपको बेस बताई जो कि येलो वाले स्पीकर में है। अगर आप उसी में हमारा ब्लैक वाला स्पीकर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये वाले स्पीकर में जो कि ब्लैक वाला मॉडल है, इसका जो प्राइस है 9,500 रुपये है, तो आपको जो ड्यूअल बेस इसकी मिलेगी वो मिलेगी 27,000 रुपये की। तो सर इसमें क्या अंतर रहने वाला, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि अब इनमें अंतर क्या रहने वाला है इतना प्राइस का। जी मैं बताता हूँ, इसमें जो येलो वाले मॉडल में हमने जैपनीज कोन जो कि JNW की कोन यूज़ करी गई है, और जो इसमें है वो आपको मैं कोन दिखाता हूँ, इसमें जो हमने कोन यूज़ करी गई है वो वाटरप्रूफ कोन यूज़ करी गई है, चाइनीज कोन। जी बाकी मटेरियल सेम है, ट्रिपल स्पाइडर इसमें भी है, डबल सिलिकॉन और एक सिंगल स्पाइडर, और 280 मैग्नेट इसमें भी है, 5 इंची कॉइल इसमें भी है। बाकी जो डिफरेंस आता है वो क्वालिटी का डिफरेंस आता है, तो वो क्वालिटी आप खुद ही देख सकते हैं कि दोनों में मटेरियल में फ़र्क होता है, तो उतना ही हमने फ़र्क रखा है 1,000 रुपये का। अच्छा, 1,000 रुपये के स्पीकर के हिसाब से 2,000 रुपये का फ़र्क आता है, तो उसी हिसाब से काले वाले मॉडल में 27,000 रुपये की बेस पड़ेगी और येलो वाले मॉडल में आपको 29,000 रुपये की बेस पड़ेगी। जी सर। जी तो सर लास्ट में एक सवाल और पूछते हैं हमारे व्यूअर्स, जो इसकी कैबिनेट होती है वो क्या रेंज की रहेगी, और अगर अलग अलग स्पीकर अलग लेना चाहते हैं और कैबिनेट अलग लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप बताइए कुछ। जी, हमारी जो कैबिनेट होती है डीजे मेकर कंपनी की, वो मैं जो हम बेस बनाते हैं वो फ्रंट 1 इंच रखते हैं और बैक 1 इंच रखते हैं, बाकी सारा जो पार्ट होता है वो 19 mm में बनाया जाता है, मतलब कि 1.25 इंच में बाकी कैबिनेट होती है, और जो फ्रंट और जो बैक होती है वो 1 इंच प्लाई में होती है। प्लाईवुड जो होती है वो कमर्शियल प्लाई है, वाटरप्रूफ होती है, पेंट भी वाटरप्रूफ होता है, और अंदर जो हमने मटेरियल यूज़ किया गया होता है वो होता है येलो कलर की ग्लास वूल लगती है, और अंदर पूरी में जाली लगती है। तो पूरी तरह की हैवी कैबिनेट है जो कि इस स्पीकर को झेलने के लिए सक्षम है, और इस स्पीकर के लिए हमने स्पेशली LN की भी लगाई गई है कैबिनेट के अंदर। तो सर काफ़ी व्यूअर्स एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, अगर हमें कस्टमाइज कैबिनेट करवानी हो अपने लिए और स्पीकर आपके डीजे मेकर के यूज़ करने हो, तो वो आपकी शॉप पर अवेलेबल है सर? जी बिल्कुल अवेलेबल है, आप चाहे JBL मॉडल लीजिए, RCF मॉडल लीजिए, या फिर डीजे मेकर का जो मॉडल आता है वो भी लीजिए, सभी तरह की कैबिनेट्स अवेलेबल है हमारे पास। ये होता है कि कई बार कोई मॉडल अवेलेबल नहीं होता, तो उससे 1 से 2 दिन का समय लगता है, हम आपके ऑर्डर पर तैयार कर सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, जो कि हम नीचे शो हो रहा है नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 11 बजे से 8 बजे तक हम अवेलेबल रहते हैं दुकान पर, और मंडे से सैटरडे मतलब कि सोमवार से शनिवार तक मैं अवेलेबल रहता हूँ, आप कभी भी फ्रीली मेरे से बात कर सकते हैं, और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। बाकी जो मैंने अभी बेस बताई है आपको, वो बेहतरीन बेस है जो कि लोग पिकअप के डीजे में और अपने साउंड में और जो इवेंट्स में यूज़ करते हैं वो यही वाला मॉडल यूज़ करते हैं, तो बाकी जो बेस होती है उनका जो फ्लक्चुएशन होती है वो उसी हिसाब से हम बता देते हैं। तो सर ये मतलब एक कंपटीशन का स्पीकर होने वाला है, मतलब ये कंपटीशन लेवल का ही स्पीकर है, जो कि लोग आपने देखा होगा ट्रक में डीजे लगाते हैं उसमें सब ये स्पीकर्स यही यूज़ होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में यही स्पीकर यूज़ होते हैं, 2000 वाट का स्पीकर यूज़ होता है, और इसकी परफॉर्मेंस तभी अच्छी आएगी जब आपका एम्पलीफायर अच्छा होगा। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, और जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि 4000 वोट है तो 4000 वोट का आप में एम्पलीफायर लगा देंगे तो वो परफेक्ट वोल्टेज देगा। जितने भी हमारे एम्पलीफायर की वोल्टेज होती है वो 2 ओम्स पे होती है, जो कि डिनोट होती है एम्पलीफायर पे, और ये स्पीकर जो होता है वो 8 ओम्स का होता है, तो परफेक्टली आप इसे वोल्टेज दीजिए तभी ये आपको परफॉर्मेंस दे पाएगा। बहुत लोग होते हैं कि चला देते हैं और कहते हैं कि भैया 4000 वोट पे इसका प्रेशर नहीं आ रहा, तो 4000 मेरे दोस्तों 4000 वोट पे इसका प्रेशर नहीं आएगा, कम से कम आपको 6000 वोट 7000 वोट चाहिए इस बेस को, इसकी कॉइल हिलाने के लिए और इस बेस को परफॉर्मेंस के लिए देने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इससे भी धमाकेदार और प्रोडक्ट के साथ और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ।
तब तक के लिए डीजे मेकर ऑडियो का आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। तो गाइस जैसे कि देखा आपने, भैया ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी स्पीकर की, डीजे कैबिनेट की, और कुछ सवाल जो आप कमेंट में पूछते हैं हमसे, तो भैया से मैंने वो सवाल रखे और आपके सभी जवाब उन्होंने दिए। और अगर आपके कोई भी अभी जवाब रहते हैं, कोई भी सवाल रहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको पुटअप करूंगा भैया के सामने और आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम जो भी आपके कमेंट होते हैं उस पर अगर आप वीडियो मांगते हैं, जैसे कि काफ़ी व्यूवर्स हैं वो 1250 वर्ड जो भैया का एक 2500 वर्ड का प्रॉपर एक टॉप होने वाला है उसके ऊपर वीडियो मांग रहे हैं, तो उसकी वीडियो भी हम जल्द आने वाले हैं, 4 टॉप की वीडियो, तो वो भी आप जल्दी देखेंगे हमारे चैनल पर। उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए आपके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो शेयर करते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहे। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।